हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आपका बीएनसी न्यूज़ पर। मैं हूँ सिद्धि वरोले, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, क्रिस्टल थेरेपिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर। सो आज है 15th of October 2023। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं हमारा वीकली हॉरोस्कोप। ये हॉरोस्कोप रहेगा आने वाले वीक तक, जहाँ पर हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि के अकॉर्डिंग आपका भविष्य क्या है, कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और क्या गाइडेंस आज हम आपको टैरो से देंगे। उसके पहले आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी की प्यार से मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन यंगेस्ट टैरो कार्ड रीडर अंडर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। सो ये पॉसिबल हुआ है आपके ही सपोर्ट से। सो आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। सो अब हम शुरू कर रहे हैं हमारा वीकली हॉरोस्कोप। सो आज के सेशन को शुरू करने से पहले हमें बनाना पड़ेगा हमारे टैरो कार्ड से बहुत प्यारा कनेक्शन। सो जब तक मैं टैरो से कनेक्शन बना रही हूँ, आप भी आईज क्लोज करके बैठिए। जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए या जो भी गाइडेंस आज आपको चाहिए अपनी डिवाइन एनर्जीज से, उनको डीपली विजुअलाइज करिए। ओके, टैरो से हमारा कनेक्शन बहुत अच्छा बन चुका है। अभी हम कार्ड्स को कर रहे हैं स्प्रेड और बात करेंगे वन बाय वन हमारी राशियों की। सो आज की हमारी पहली राशि है मेष राशि। जानेंगे मेष राशि वालों के लिए आज की गाइडेंस क्या है। ओके, सो मेष राशि वालों के लिए देखिए बहुत प्यारी गाइडेंस हमें मिल रही है। सबसे पहले तो अगर आप कोई मेल पर्सन है, अगर आप कोई मेल पर्सन है, सो आपको आज किसी फीमेल पर्सन का ना बहुत प्यारा सपोर्ट, बहुत अच्छा प्यार और बहुत अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे है ना किसी की गाइडेंस की, किसी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप किसी फीमेल पर्सन से सपोर्ट मांगिए तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या आपकी मदर हो सकती है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपकी डॉटर भी हो सकती है, या आपकी फ्रेंड भी हो सकती है। और अगर आप कोई फीमेल है, कोई फीमेल पर्सन है, सो आपको आज किसी मेल पर्सन का सपोर्ट, उनका प्यार, उनका अनकंडीशनल लव मिलेगा। और वैसे ही आपके लिए ये आपके फादर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपका आपके सन हो सकते हैं। सो आज इनकी गाइडेंस अगर आपसे कनेक्ट होती है तो आपके जो रुके हुए काम है ना वो बनना शुरू हो जाएंगे और आपका जो काम है ना वो फ्लो में होगा। दूसरी बात, हो सकता है कि जो काम आपका बहुत समय से नहीं हो पा रहा है ना, उस कारण से आप थोड़े से स्ट्रेस फील करें। आज आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा कि यार ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है, एक कंट्रोलिंग बिहेवियर आपका रह सकता है। तो आज आपको थोड़ा सा मेंटल पीस की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा शांति। कई बार ही क्या होता है ना, हम इतने ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं ना लाइफ को लेकर कि हम अगर अच्छा नहीं सोच पा रहे तो हम बुरा सोचना शुरू कर देते। तो आज आपको थोड़ा सा ना न्यूट्रल होना, थोड़ा सा जितना हो सके ना मेंटल पीस, मानसिक शांति की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा सा शांत रहिएगा तो ऑटोमेटिकली आपके काम बनेंगे और जिस सपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ उस सपोर्ट से आपके काम और अच्छे से बनेंगे। थैंक यू सो मच। सो अगली राशि है वृषभ राशि। जानेंगे वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। ओके, वृषभ राशि वालों को किसी प्रकार का बर्डन है बहुत समय से, शायद पास्ट में कुछ चीज़ें हुई है जिस कारण से उनको बर्डन अभी तक चल रहा है, या फिर उनका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है अपनी लाइफ को लेकर, उनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट के दिनों से ना वो चीज़ें सफल नहीं हो पा रही है तो इस कारण से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। सो वृषभ राशि के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि उनका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है जो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ये ड्रीम आपकी करियर से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंशियल ग्रोथ हो सकता है, आपकी लव लाइफ हो सकती है, या आपका हेल्थ हो सकता है। तो जो बहुत टाइम से आप ड्रीम देख रहे हो वो आज पूरा होने वाला है। तो बस अपने ड्रीम को मैनिफेस्ट करने में लगे रहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत जल्दी वर्क करेगा। दूसरी बात, आपके लिए कार्ड आया है फ्रेंडलीनेस का। फ्रेंडलीनेस का कार्ड कहता है कि आज आपको किसी एक व्यक्ति का बहुत प्यारा सपोर्ट मिलेगा। वो व्यक्ति ऐसा है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है। कई बार क्या होता है ना, लाइफ में स्ट्रेंजर्स हेल्प करके चले जाते हैं, लेकिन कई बार लाइफ में हमारे जो खुद के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या जो जान पहचान वाले लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो वही सपोर्ट आज मुझे दिखाई दे रहा है और इस सपोर्ट से आपकी तरक्की बहुत होगी। विश यू गुड लक। अगली राशि है मिथुन राशि। जानेंगे मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले आज थोड़ा सा ना लेजी दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा लेजीनेस आ सकता है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि काम को एकदम डिले करते हैं। तो ये चीज़ें हो रही है, हो सकता है कि पास में इतनी ज़्यादा रुकावटें बनी होगी ना, तो काम से मन हट गया है आपका, आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ तो हो नहीं रहा, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी ना रिटर्न तो कुछ नहीं मिल रहा है।
सो लेजीनेस दिखाई दे रही है, लेकिन इसको खत्म करने के लिए कार्ड एक गाइडेंस दे रहे हैं, जस्ट गो विद द फ्लो. अभी जो आ रहा है ना उसको एक्सेप्ट करो, रिसीव करो, आगे बढ़ो. जस्ट गो विद द फ्लो वाले पैटर्न पे वर्क करोगे ना उतना आपके लिए बेटर होगा. देखिए मैं आपको कार्ड खुद ही बता देती हूँ, एक पर्सन है ये पानी में ना बहते जा रहे हैं, मतलब अगर सिचुएशंस खराब भी है ना तो वो आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो आपको भी इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है. आज का दिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स बन सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि यार स्टार्टिंग में ना परेशानी बहुत आ रही, समझ में नहीं आ रहा है कि आज कैसे मैं डील करूंगा. तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जिस पे भी आपको भरोसा है उन दो तीन लोगों से कंसल्ट करके ही डिसीजन को लेना है. बिना उनसे कंसल्ट किए आपको डिसीजंस पे नहीं जाना है, क्योंकि आप खुद के डिसीजंस अगर लोगे तो हो सकता है कि आगे चल के थोड़ी सी नेगेटिविटी फेस करनी पड़े. तो दो तीन लोगों से थोड़ा सा कंसल्ट करके डिसीजन लोगे तो आपके लिए बेटर होगा. अगली राशि है कर्क राशि. जानेंगे कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है. कर्क राशि वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि आज इनको अपने काम में सक्सेस मिलने वाली है. ये सक्सेस कार्ड ने शो कर रहा है कि आपको अपने काम में बहुत सफलता, जो बहुत समय से आपका हार्डवर्क था ना उसका रिटर्न आज आपको मिलने वाला है. और एट द सेम टाइम एक बहुत प्यारा कार्ड अबंडेंस. अबंडेंस कार्ड कहता है कि आज आपको ना फुल ऑफ अबंडेंस, प्रचुरता, लाइक अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस, अबंडेंस ऑफ ग्रोथ, अबंडेंस ऑफ गुड हेल्थ, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छी अच्छी कनेक्ट होने वाली है, आपके फेवर में सब होगा. लेकिन एट द सेम टाइम आज इन खुशियों को जो आज आपको मिलेगी ना उनको सभी के साथ बांटना, शेयर करना. मतलब अगर सपोज कोई हैप्पीनेस कनेक्ट हो रही तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने नेबर्स या अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ना इन सब चीज़ों को ना कनेक्ट करना, स्प्रेड करना अपनी खुशियों को. देखिए जितना आप दोगे ना उतना ही आपको मिलेगा. सो पॉजिटिविटी अगर आपको मिल रही है तो अपने आसपास वालों से कनेक्ट करना तो आपको और अच्छा इसका रिटर्न मिलेगा. अगली राशि है सिंह राशि. जानेंगे सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है. सिंह राशि वालों को एक गाइडेंस देना चाह रही हूँ. ये ना थोड़े से इनोसेंट है, मतलब ये जो लोग है ना ये अंदर से इतने ज़्यादा अच्छे हैं ना कि सभी को अच्छा समझ लेते हैं, और कई बार ना लोग इन्हें धोखा दे के चले जाते हैं. तो कई बार ना इनके इमोशनल डिसीजंस ना इन्हीं के ऊपर हावी बहुत होते हैं. सो द कार्ड इज कि आप ना अभी कुछ समय से आपके लाइफ में बर्डन है, आज भी थोड़ा सा बर्डन दिखाई दे रहा है मुझे, बट एट द सेम टाइम कार्ड कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी सोच को ना बियॉन्ड अल्यूजन, मतलब मोह माया, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के थोड़ा सा परे, थोड़ा सा बियॉन्ड. अभी कार्ड क्या कह रहा है, देखिए लाइफ में अगर ना सक्सेस है तो चैलेंजेस भी है, लेकिन जो समय से आपके चैलेंजेस चलते आ रहे हैं ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार अभी तो इतने चैलेंजेस फेस किए, क्या आगे भी मुझे यही फेस करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है. थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचिए, थोड़ा सा ये देखिए कि आगे और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ. यही चैलेंजेस थोड़ी है लाइफ में परमानेंट, ये तो अभी है, ये तो चले भी जाएंगे और इसके पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ जाएगी. तो बस ये सोच के आगे बढ़िए और अपने ना बर्डन को थोड़ा सा रिलीज कर दीजिए. बर्डन जितना आप ले रहे हो ना उतनी सिचुएशन खराब नहीं है, और अगर है भी तो कुछ समय के बाद ना ये थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. दूसरी बात, बहुत प्यारा कार्ड आया है एडवेंचरस. एडवेंचरस कार्ड कहता है कि आज ना आप बहुत नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे, जो आपने बहुत समय से नहीं किया है वो चीज़ों को आज आप एक्सप्लोर करोगे. मतलब कुछ नया आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आज आप कुछ नया सीख सकते हो, तो ये आपके बर्डन को और ज़्यादा कम करेगी. तो अपने माइंड को डाइवर्ट करिए. थैंक यू. अगली राशि है कन्या राशि. जानेंगे कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है. कन्या राशि वालों के लिए एक गाइडेंस देना चाह रही हूँ मैं. आज थोड़ा सा ना लोगों से दूरी बना के चलिएगा. जिस पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो ना, जो आपको बहुत अपना है, उनसे धोखा मिलने का चांस दिखाई दे रहा है. तो जो जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, या अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे ना कोई बहुत बड़ा ड्रीम या बहुत बड़ा डिस्कशन, मतलब लाइक बहुत बड़ी कोई प्लानिंग है जो किसी के साथ डिस्कस करनी है, शायद उस पर्सन से मुझे अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा. तो प्लीज़ आज कुछ बातें जो ऐसी है वो अपने तक ही रखिएगा. बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू क्लोज फैमिली कोई मेंबर होगा उसी से डिस्कस करना, हर किसी से नहीं करना है. और मैं तो बोलूँगी आज थोड़ा सा आप सीक्रेटली परफॉर्म करिए, अपने अंदर चीज़ों को ज़्यादा रखिए, क्योंकि जिसको भी आप बोलने जाएंगे ना तो वो आपका गलत फ़ायदा उठा सकता है, उससे धोखा मिल सकता है. क्योंकि उसी कारण से थोड़ा सा मुझे बर्डन भी दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मेंटल ब्लॉकेजेस मुझे आज दिखाई दे रहे हैं. तो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत प्यारा कार्ड आया है क्रिएटिविटी का कार्ड. ये क्रिएटिविटी का कार्ड कहता है कि अभी तक जो भी मेथड्स, जो भी स्ट्रेटजीज रही है ना,
उसमें थोड़ा सा चेंज लाइए. अभी तो जो भी आपका काम करने का तरीका रहा है, जो भी सोच रही है, जो भी मैं कहूँ, जो भी पैटर्न को आपको फॉलो करते जा रहे हो ना, उसमें थोड़ा सा चेंज, बट चेंज ऐसा जो इजी गोइंग में आ जाए. ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा चेंज आपसे हो ही नहीं पा रहा हो. थोड़े से अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ, ऑटोमेटिकली आपकी सिचुएशंस बैलेंस हो जाएगी. अगली राशि है तुला राशि. जानेंगे तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है. तुला राशि वालों के लिए बहुत प्यारी ब्लेसिंग कनेक्ट हो रही है. आज आपको ईश्वर का आशीर्वाद बहुत मिलेगा. तो जो भी आप डिसीजंस लो उसमें ट्रस्ट करना कम्प्लीटली, क्योंकि आपको ना पास्ट का एक्सपीरियंस बहुत है, आपको एक्सपीरियंस बहुत है, तो ये एक्सपीरियंस आपको आगे बहुत काम में आएगा. तो जो भी आप कर रहे हो उसमें कम्प्लीटली ट्रस्ट करो, क्योंकि वो बहुत सही चीज़ है. दूसरी बात, आज आपको ईश्वर का आशीर्वाद बहुत मिलेगा. आपके केस में ना टूटता हुआ तारा नज़र आ रहा है. टूटता हुआ तारा यही कहता है कि आपकी जो इच्छा है, जो बहुत समय से आप चाह रहे हो ना, वो पूरी होते हुए नज़र आ रही है. सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू. अगली राशि है वृश्चिक राशि. जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है. वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में ना चेंज आएगा, क्योंकि ना ये अभी ना अपने अपने में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं. शायद कुछ सिचुएशंस ऐसी हुई है कि अपना दुख या तो सामने वाले को बताना नहीं चाहते, मतलब ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और साउंड कर रहे हैं. दूसरी बात ये कि अपने में ही रहना चाह रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, या मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो बेस्ट है. लेकिन नहीं, थोड़ा सा लोगों से भी कंसल्ट करिए. लोगों से जितना जुड़ेंगे आपको और आपका नॉलेज बढ़ेगा. लेकिन ये जो पैटर्न चल रहा है इसमें बहुत बड़ा चेंज आएगा. आज का दिन आपका परिवर्तित होगा. लाइक जो नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी. थैंक यू सो मच. अगली राशि है धनु राशि. जानेंगे धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला. धनु राशि वाले थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं. ये अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है. इन्हें मेंटल पीस की बहुत ज़रूरत है. बताना चाहूँगी कैसे. धनु राशि वाले हैं ना, किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी है और आज थोड़े से ये दिखाई दे रहे हैं. इन्होंने ना अपने आप को आइसोलेट कर लिया है, मतलब अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं, आइसोलेशन में रखा हुआ है. अपनी प्रॉब्लम्स को किसी से बोल नहीं रहे हैं. पर कार्ड ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा अपनी दृष्टि बदलिए, अपने विजन को चेंज करिए, थोड़ा सा न्यू विजन अपनाइए. अभी तक जो दृष्टि रही है, जो सोच रही है, उसमें चेंज लाइए और एक नई शुरुआत करिए. अपनी सोच में थोड़ा सा परिवर्तन लाइए, क्योंकि आपको मेंटल पीस की बहुत ज़रूरत है. और आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि यार मैं अपनी परेशानियों से ना डील नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं मैं कब बाहर निकलूँगी. थोड़ा सा हिम्मत रखिए. वो एक होता है ना, दो पत्थर के बीच में से भी एक पौधा उग जाता है, ग्रो कर जाता है. सो वो वाली हिम्मत आज आपको, करेज आपको रखना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे. थोड़ा सा मेंटल पीस पे फोकस करिए, सब चीज़ें अच्छी हैं. अगली राशि है मकर राशि. जानेंगे मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा है. मकर राशि वालों का जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है. जैसे टॉर्टोइज होता है ना, धीरे 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 स्टेप्स को आगे बढ़ाता है, वैसे ही टॉर्टोइज वाली थ्योरी को फॉलो करना है. दूसरी बात, एक आखिरी ना इनिशिएटिव रह गया है, एक कदम जिसको बोलते हैं ना कि बस एक कदम बढ़ाना रह गया है, सब चीज़ें रेडी है. तो जो आखिरी स्टेप लेने में जो प्रॉब्लम आ रही है उस पर फोकस करिए, क्योंकि उसको जल्द से जल्द लो. आपका जो काम है वो कंप्लीट होने वाला है. पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आपको बहुत जल्दी लाइफ में सक्सेस मिलेगी और जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा. नेक्स्ट राशि कुंभ राशि. जानेंगे कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है. कुंभ राशि वाले थोड़ा सा अपने को कंपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, मैं ही इन सब चीज़ों को क्यों डील कर रही हूँ, सामने वाला कितना खुश है लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों. और इसको सोच सोच ना इंटरनली बहुत फाइट कर रहे हैं, इतना अपने आप से झगड़ा चल रहा है ना इनका. लेकिन कार्ड्स कह रहे हैं कि अभी आपको रास्ता ख़राब दिख रहा है. आपको खुद मैं बताना चाहूँगी, ट्रैवलिंग कार्ड कहता है कि अभी रास्ता ख़राब है, आप धीरे धीरे रास्ते पर आगे बढ़िए, आपको ऑटोमेटिकली सफलता मिलेगी. ये ट्रैवलिंग कार्ड जो कहता है ना कि धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, जो सूरज की रोशनी है ना, ये सफलता शो कर दी है. तो जो ट्रैक पकड़ा है, जो दिशा पकड़ी है, उस पर बस कंटिन्यू करिए, धीरे धीरे सफलता मिलेगी. और ना आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो शेर वाली है. आपका काम करने का तरीका अलग है, सबसे बहुत डिफरेंट है. लेकिन कुछ समय के कारण ना भेड़ चाल में आगे बढ़ रहे हो, मतलब आपकी जो क्वालिटीज़ थी, जो निखर के आ रही थी, उसको आप उसकी मतलब वो डाउन कर रहे हो. और दूसरी बात ये कि आप भेड़ चाल में जो सब कर रहे हैं वही हम कर रहे हैं, तो ये काम मत करो. अगर आप अलग हो तो अपने आप को अलग चलने दो, इस गाइडेंस पे फोकस करो. सो आज की हमारी आखिरी राशि है मीन राशि. जानेंगे मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा है. मीन राशि वालों का दिन बहुत अच्छा है. आज बहुत तेज़ी से ग्रोथ होने वाली है. इंटेंसिटी के साथ ना भागोगे आज आप, बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी. साथ ही लोगों का सपोर्ट बहुत मिलेगा आपको. आज काफ़ी अच्छे लोगों का सपोर्ट बहुत दिखाई दे रहा है, उनके सपोर्ट से आपकी सक्सेस बहुत है. दूसरी बात कि जाने अनजाने में अगर आप स्टेप्स ना ले पाओ, इनिशिएटिव ना ले पाओ,
कदम आगे ना बढ़ा पाओ तो ये मत सोचना कि पता नहीं मैं पीछे ना रह जाऊँ या मेरे साथ वाले आगे ना निकल जाए। मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज आएगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा ये जो अगर कम्प्लीटली भगवान चाह रहे हैं ना कि अपने आप को सरेंडर कर दो तो कर दो सरेंडर, सबसे अच्छी बात है। सो प्लीज़ आप ये फोकस करिए कि आज आपकी तेज़ी से ग्रोथ है तो बस तेज़ी से ग्रोथ करिए। थैंक यू सो मच। सो ये थी हमारी 12 राशियों की बहुत प्यारी गाइडेंस। ये गाइडेंस जो रहेगी वो 15 अक्टूबर से लेकर तो 22nd ऑफ अक्टूबर तक है। सो ये 1 वीक का हॉरोस्कोप है आपका, तो ये गाइडेंस को फॉलो करिए क्योंकि आज की जो गाइडेंस आई है ना ये बड़ी प्यारी गाइडेंस है। अगर आप इन गाइडेंस को फॉलो करते हो ना तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और अपने अंदर ही नहीं आपके आसपास के सराउंडिंग में भी आपको चेंजेस दिखेंगे। तो ये गाइडेंस को फॉलो करिए, मिलेंगे हम 23rd ऑफ अक्टूबर को। तब तक के लिए देखते रहिए BNC News। नमस्कार।